प्यारे सहपाठियों, आज की नई सुबह के साथ हम नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप घर पर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और आपका अध्ययन लगातार विकासशील रूप से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे हैं। हमारी जो भी क्लासेज, जो भी अपने कॉलेज से संबंधित चाहे कोई भी विषय हो, उसको आप लगातार देख रहे हैं। ये मुझे विश्वास है। चलो आज अपन अपनी बात करते हैं हिंदी के टॉपिक की। आज का जो अपना टॉपिक है, राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के रचनाकार है अगरचंद नाहटा। अगरचंद नाहटा एक सर्वश्रेष्ठ विद्वान व हिंदी साहित्य के विद्वान होने के साथ साथ अन्वेषक भी थे। इन्होंने प्राचीन इतिहास और साहित्य की अनेक जो लुप्तप्राय, जो लुप्त हो गई है, लुप्तप्राय कृतियों को खोज करके जो लुप्त हो गई है कृतियां, जो इतिहास से संबंधित है, उनको खोज करके हिंदी साहित्य के प्राचीन इतिहास को एक नए आयाम प्रदान किया। इस सारी प्रक्रिया के अंदर इनकी अन्वेषक जो वृत्ति है, उस अन्वेषक वृत्ति के अंदर बहुत मुश्किलें, बहुत समय भी लगा, लेकिन ये अनवरत रूप से अपने कार्य में लगे रहे, जिसके कारण इनको अनेक ऐसी कृतियां जो प्राचीन हिंदी साहित्य के लिए या जैन ग्रंथों के लिए, ये इतिहास के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो इतिहास में आज भी अपना एक अमूल्य स्थान रखती है। अगरचंद नाहटा जो है, ये राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लेखककार और इतिहासकार भी माने जाते हैं। इन्होंने जैन साहित्य से संबंधित, राजस्थानी साहित्य से संबंधित बहुत सारे ऐसे ग्रंथों का उल्लेख किया जो अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है इतिहास के अंदर। इनकी अन्वेषण वृत्ति के द्वारा ही आज राजस्थान का इतिहास गौरवशाली है, ये इन्हीं के प्रयास से संभव हुआ है। तो हम देख लेते हैं बोर्ड पर थोड़ा सा इनके बारे में। अगरचंद नाहटा, इनका जो जन्म है वो 1910 के आसपास हुआ था, उम्र की है 1983 में। इनके प्रमुख ग्रंथ है जो इन्होंने खोजे हैं, जो लिखे हैं, वो सभा श्रृंगार, जिनचंद सूरी, ज्ञान सागर, ग्रंथावि, भक्तमाल, ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह और बीकानेर जैन लेख संग्रह, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है जो इन्होंने कुछ खोजे भी हैं और कुछ लिखे भी हैं। अगरचंद नाहटा प्राचीन हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा अन्वेषक थे, खोजकर्ता थे। अपने पाठ्य पुस्तक में जो प्रस्तुत लेख है, वो इनका लेख
राजस्थान संस्कृति के कला विशिष्ट के विविध रूपों को उजागर करता है। राजस्थान की संस्कृति कैसा है, कैसी है, यहाँ का कल्चर कैसा है और उसके विविध रूप क्या है, क्या प्रकार है, उन सबको ये प्रदर्शित करता है। इन्होंने अन्वेषण वृत्ति और गहन अध्ययन से, अपनी खोज की प्रक्रिया से और गहन अध्ययन के द्वारा प्राचीन इतिहास और साहित्य की, प्राचीन जो हमारा इतिहास है और साहित्य है, उनकी अनेक लुप्त प्राय कृतियों की खोज करके हिंदी के प्राचीन इतिहास और साहित्य को नवीन आयाम प्रदान किए, एक नया रूप प्रदान किया। तो इन्होंने बहुत कुछ राजस्थान की संस्कृति के बारे में, उसकी सांस्कृतिक एकता के बारे में, यहाँ पर त्योहारों के बारे में ग्रंथों के बारे में, यहाँ की कला के बारे में सब कुछ लिखा। और यहाँ की जो प्रमुख धरोहर है उसके बारे में विशेष रूप से इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। जब आप इस बात को सुन पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई इसकी टेढ़ी भाषा नहीं है, बहुत सरल भाषा में लिखा है, जिन्होंने राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और उसकी जो विरासत है उसको किस प्रकार से संजोया हुआ है, किस प्रकार से आज भी वो सुरक्षित है, उसके बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के त्योहारों के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में और यहाँ के जो ग्रंथ है उनके बारे में बड़ा ही प्रमुख रूप से उल्लेख किया है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और जब इस बात को आप समझोगे, पढ़ोगे तो निश्चित रूप से इनके बारे में बहुत कुछ आप जान पाओगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, बहुत सिंपल है यह जो क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन लिखिए सीधा, इसमें लिखे प्रश्न लिखे राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर साहित्य और कला की गौरवपूर्ण परंपरा निबंध के आधार पर राजस्थानी साहित्य के विशिष्ट रूपों का वर्णन कीजिए, विशिष्ट रूपों का वर्णन कीजिए। अथवा में लिखें, अगर चंद हाटा ने राजस्थानी साहित्य की जिस परंपरा का वर्णन किया है, उसे अपनी भाषा में लिखिए। लिख लिया, अब लिखें आप उत्तर इसका, कंटिन्यू लिखें, थोड़ा फास्ट लिखें। इसमें अग्रचंद हट्टा प्राचीन हिंदी साहित्य के विद्वान तथा अन्वेषक थे, हिंदी साहित्य के विद्वान तथा अन्वेषक थे। इन्होंने अपनी अन्वेषण वृत्ति और गहन अध्ययन से प्राचीन इतिहास और साहित्य की अनेक लुप्तप्राय कृतियों की
खोज करके हिंदी के प्राचीन इतिहास और साहित्य को एक नया रूप दिया। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियों कौमा उसकी शैलियों कौमा जैन विद्वानों तथा अन्य कवियों द्वारा रचित काव्यों कौमा रासो काव्यों कौमा नीति एवं भक्ति के मुक्तक काव्यों कौमा ऐतिहासिक एवं लोक साहित्य के विशुद्ध प्रेम वाक्यों की विषयगत एवं भाषागत विशेषताओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है जो इस प्रकार है। इसमें लिखें राजस्थान का प्राचीन साहित्य, इसमें लिखें आप राजस्थान का प्रदेश कई भागों एवं राज्यों में बंटा हुआ था। इसे मरु कौमा जांगर कौमा लगा चलना मत्स्य मेधपाट सपातलक्ष बागड़ कौमा मार आदि इसके प्रसिद्ध नाम रहे हैं। यहां सिंधुकालीन सभ्यता के पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी सीमाएं घटती बढ़ती रही है। यहां पर सरस्वती नदी बहती थी, उसके तट पर अनेक ऋषि मुनि निवास करते थे। उन्होंने समय समय पर वैदिक रचनाओं एवं अनेक ग्रंथों की रचना की थी। आगे लिखे इसमें मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य इसमें लिखे आप डैश करके मध्यकाल में जो साहित्य
प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, राजस्थानी व हिंदी, इन पांच भाषाओं में मुख्य रूप से प्राप्त है। सुप्रसिद्ध शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ श्रीमान नगर का निवासी था। तो महान जैन आचार्य हरिभद्र सूरी चित्तौड़ के थे, जिनकी समन्वय दृष्टि बहुत ही उल्लेखनीय थी। उन्होंने योग आदि अनेक विषयों पर अपने मौलिक चिंतन उपस्थित किए। आगे लिखें, राजस्थान के उपाध्याय मेघ विजय ने अनेक महाकाव्यों के साथ साथ सप्त संधान नामक ऐसा विलक्षण महाकाव्य बनाया जिसमें शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर व ऋषभदेव इन पांच तीर्थंकरों तथा राम और कृष्ण जैसे महापुरुषों का चरित्र एक साथ गुंफित किया या एक साथ गूंथा गया। आगे लिखे, प्राकृत रचनाएं नेक्स्ट पॉइंट लिखे, बोलचाल की भाषा में प्राकृत रचनाएं, बोलचाल की भाषा में प्राकृत रचनाएं। इसमें लिखे, जनसाधारण की भाषा में जैन कवियों और विद्वानों की जो रचनाएं मिलती है वे विविध शैलियों, अनेक प्रकार की शैलियां जैसे हैं, विविध शैलियों की है। राजस्थान में रचित प्राकृत साहित्य बहुत विशाल है। अपभ्रंश से उत्तर भारत की सभी बोलियों का विकास हुआ। उन बोलियों में राजस्थान, गुजरात एवं मालव प्रदेश में कई शताब्दियों तक एक जैसी भाषा व्यवहारिक होती रही, जो आगे चलकर मरुभाषा और प्राचीन
राजस्थानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अनेक बोलियाँ बोली जाती थी, उन बोलियों में जैसे राजस्थानी है, गुजराती है और मालव प्रदेश की थी, लेकिन बाद में ये एक ही व्यवहार बोली जाने लगी और आगे चल करके बरु भाषा जो है वो प्राचीन राजस्थानी भाषा के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे लिखे इसमें 15वीं शताब्दी तक राजस्थानी और गुजराती एक रही, परंतु उसके बाद गुजराती का अलग विकास होने लगा। देख लिया, फिर लिखे राजस्थानी भाषा की बोलियों में रचित साहित्य, राजस्थानी भाषा की बोलियों में रचित साहित्य, इसमें लिखे राजस्थानी भाषा की अनेक बोलियां हैं, उनमें भी काफी साहित्य रचा गया है। 11वीं शताब्दी से हजार वर्षों की राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। 11वीं शताब्दी से लेकर के 1000 वर्षों तक राजस्थानी साहित्य की विशेषता है, वो गौरवपूर्ण रही है। आगे लिखें प्रारंभिक रचनाओं में कुछ फुटकर दोहे प्राप्त हुए। 13वीं शताब्दी से तो स्वतंत्र उल्लेखनीय रचनाएं मिलती रही, जो प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण की है। 14वीं शताब्दी से गद्य की रचनाएं भी मिलने लगी और 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में उसकी विविध शैलियां मिलने लगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हिंदी काव्य, इसमें लिखे हिंदी भाषा का प्राचीन और महत्वपूर्ण काव्य पृथ्वीराज रासो भी राजस्थान में रचा गया। लोक काव्य बिशनदेव रासो की रचना भी राजस्थान में ही हुई है। हिंदी के वीर गाथा काल की सभी रचनाएं राजस्थान में ही हुई। ब्रजभाषा और खड़ी बोली प्रधान हिंदी भाषा में साहित्य की परंपरा प्रांतीय भाषा के साथ विकसित और समृद्ध होती गई। सैकड़ों कवियों की हजारों रचनाएं आज भी प्राप्त है, उनमें बिहारी सत्सई और वृंद सत्सई बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही मीरा के
भक्ति गीतों की मीरा के भक्ति गीतों की गूंज सर्वत्र सुनाई देती है। आगे लिखें नेक्स्ट पॉइंट, जैन विद्वानों व संतों की रचनाएं। इसमें लिखें जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जैन विद्वानों और संतों ने हजारों चरित्र काव्य, नीति के दोहे और भक्ति के पद सृजित किए। दादू जैसे अनेक संत संप्रदाय राजस्थान में हुए, जिनका प्रभाव अन्य प्रांतों में भी खूब पड़ा। संत संप्रदायों का साहित्य काफी अथाह है। साथ ही चारण कवियों के दोहे गीत भी हजारों की संख्याओं में रचे गए हैं। राजाओं और वीरों के लिए रचित उनके डिंगल गीतों, काव्यों तथा ख्यातों का ऐतिहासिक महत्व है। इन्वर्टेड कोमा में लिखना, ढोला मारूला दूहा प्रेम काव्य काफी प्राचीन और प्रसिद्ध है। कृष्ण रुक्मणी री बैली राजस्थानी भाषा का गौरव ग्रंथ है। जैन कवियों ने लोक प्रचलित कथाओं संबंधी अनेक काव्य रचे, जिनमें कुशल राग का ढोला मारू, कौमा माधवानल, कामकंदला, चौपाई आदि विशुद्ध प्रेम काव्य है। चारण कवियों के राजरूपक, विशुद्ध श्रृंगार आदि अनेक ऐतिहासिक काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। अब देखें नया पॉइंट, ख्यातों बातों दोहों की रचना। इसमें लिखे हैं राजस्थानी भाषा में ख्यातों और बातों की रचना भी खूब हुई। इनमें मुहूर्त नैन्सी की ख्यात ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बीकानेर के दयादास सिंधायच ने
राठौड़ों ने ख्या बीकानेर के दयादास सेंधायच ने राठौड़ों ने ख्या और बीकानेर की ख्या बीकानेर की ख्या आदि अन्य कई ग्रंथ बनाए। राजस्थानी बातें तो सैकड़ों की संख्या में विविध शैलियों में पाई जाती है। जन समाज में बातें बहुत लोकप्रिय हुई, इनको कहने की भी इनको कहने की भी एक विशिष्ट शैली है जो अन्यत्र प्राय नहीं पाई जाती। अब लिखे नीचे उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान में साहित्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी का आदिकालीन साहित्य जैन मुनियों और अनेक संतों के काव्य की रचना राजस्थान में ही हुई है। राजस्थानी साहित्य में ख्यातों कोमा बातों और दोहों का विशेष महत्व है, जिनमें बिहारी व्रंथ दादू और मीरा ये राजस्थान के ही कार्यरत है। तो इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन समाप्त होता है। मुझे आशा है कि जब आप अपनी नोटबुक में से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा और आपकी आपके पास जो किताब उपलब्ध है उस किताब में से इस राजस्थान के सांस्कृतिक धरोहर प्रकरण को पढ़ोगे तो निश्चित रूप से अगर चंद्रहाटा जी के जो विचार हमें प्रस्तुत किए गए हैं वो विचार बहुत ही सरल रूप से हमें समझ में आ रहे हैं। इसी क्रम के साथ आज की क्लास यहीं शुरू करते हैं। धन्यवाद।